T20 वर्ल्ड कप में अगर बात की जाए तो 7 और 8 तारीख जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिकन ने जो रीजन्स है उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया है और बहुत सुर्खियां बटोरने में वो कामयाब हुए हैं। कल परसों ये काम यूएसए ने किया और कल ये काम कैनेडा ने किया। हम बात कर रहे हैं कैनेडा वर्सेज आयरलैंड मैच की, जहां पर कैनेडा ने एक लो स्कोर टोटल डिफेंड कर कहीं ना कहीं अपने ही लेवल पर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जहां पर उन्होंने एक फुल मेंबर आयरलैंड को यहाँ पर मात दी है, जो कि कहीं ना कहीं कमेंडेबल परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। तीसरा सबसे लोएस्ट टारगेट डिफेंड किया है किसी एशियाई टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। अगर बात करें मैच 137 रन उनके पास थे जिसे उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया। आइए जानते हैं कि कैनेडा ने आखिर किस तरह से स्कोर को डिफेंड किया और आयरलैंड से आखिर चूक कहां पर हुई। आयरलैंड सिर्फ 137 रन भी चेज आखिर क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हम पहले फेस बाय फेस से ही जानेंगे कि फेस बाय फेस से ये चीजें कुछ समझ में आती हैं। बिल्कुल, 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ 37 रन बनाए कनाडा ने 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं आयरलैंड ने 31 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेस आप एक्चुअली में इसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पर आयरलैंड ने रन्स कम किए हैं, जरूर 1 विकेट गंवाया, जबकि उन्हें आगे होना चाहिए क्योंकि वो चेस कर रहे हैं यहाँ। वहीं पर अगर आप कनाडा को देखेंगे 2 विकेट उन्होंने गंवा दिए, 37 रन ऑब्वियसली है, पर 2 इंपॉर्टेंट विकेट ऊपर के, हमें विकेट का वजन भी देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा है। इसलिए अब 7 से 15 में चलते हैं, यहाँ पर कनाडा ने 55 रन जोड़े, 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। वहीं आयरलैंड ने 43 रन यहाँ जोड़े इस मिड फेस में और 5 विकेट का नुकसान हुआ। एक तरफा ये जो फेस है कनाडा के नाम रहा। वहीं पर डेथ फेस की बात करें तो यहाँ 16 से 20 की, तो यहाँ पर 45 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर कनाडा ने, और वहीं आयरलैंड ने इस डेथ फेस में 51 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये डेथ फेस रहा तो आयरलैंड के नाम जरूर है, पर कहानी कुछ और ही बयां कर गया और मैच जो है वो कनाडा ले। बिल्कुल, मिडिल फेस में जो काम किया है यहाँ पर कनाडा ने वो उनके लिए बहुत फेवरेबल रहा, और साथ साथ में जो पावर पे जो पहला फेस था कनाडा का बॉलिंग कराते हुए, उस फेस में पॉल स्टर्लिंग और बेलमिन जैसे प्लेयर होते हुए इतना कंट्रोल्ड स्कोर रखना, 6 ओवर में सिर्फ 31 रन पर उन्हें बांधे रखना और सिर्फ 1 बाउंड्री आई थी तो पूरे उसमें। आपको बता दें आयरलैंड की पूरी बैटिंग में 1 ओवर से लेकर 15 ओवर तक सिर्फ 2 चौके लगे थे, ये कहीं ना कहीं अपनी कहानी अलग बयां कर रही है। अब बात करते हैं कनाडा के कंट्रीब्यूटर्स की। कनाडा की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो शुरुआत जो है उनकी खासा नहीं हुई। एरॉन जॉन्सन और नवनीत धारीवाल बैटिंग करने के लिए आए और पहला विकेट बहुत ही जल्दी गिर गया। उसके बाद लगातार थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर निकल कर आए, प्रगट की तरफ से दलप्रीत बाजा ही बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो मेन यहाँ पर काम किया वो किया निकोलस कीर्तन और श्रेयस मोबर। अब देखिए दोनों की इनिंग्स को आप देखेंगे तो दोनों की इनिंग जो है वो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट आपको नजर आई है। एक प्लेयर ने अटैक भी करने की कोशिश की लेकिन शुरू से अटैक नहीं किया, दोनों ही प्लेयर जब आया मुझे लगा कि अब एक पार्टनरशिप यहाँ पर मुझे आपसे जमाने की जरूरत है, और यही काम उन्होंने बहुत बखूबी किया। पहले 20-25 गेंदे उन्होंने पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की और फिर उसके बाद निकोलस ने अपने गेयर बदले और मोवा लगातार वही काम करते चले गए जो काम उन्हें करना था कि एक छोर पकड़ कर चलना एंड इस पार्टनरशिप को आप कैसे समझ रहे हैं स्ट्राइक रेट और बाकी सारी चीजों को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, आप ये समझने की जरूरत है, बहुत आसान लगेगा कि इन्होंने पार्टनरशिप की 137 तक पहुंचाया जरूर, और टीम का हाल क्या था वहां पर, एक ये पार्टनरशिप 4 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए थे। उसके बाद जिस तरीके से ये पार्टनरशिप आई है, जो शुरू की 25-30 बॉलें इनकी रही हैं वो बहुत अच्छा, इन्होंने रन बॉल खेला ऐसे नहीं कि 25-30 बॉलों में 70 रन की पार्टनरशिप कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रन बॉल जा रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं, डबल्स आ रहे हैं, बाउंड्रीज कुछ टाइम बाद आ रही है, लेकिन जैसे ही सेटल हुए हैं उसके बाद जो कीर्तन ने एक ही ओवर में जो एक चौका मारा, उसके बाद श्रेयस मोवा ने थोड़ा सा और ज्यादा अपनी इनिंग को लेकर गए 25 बॉल बाद, अब उन्होंने भी बाउंड्रीज ढूंढी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि दोनों ने जो पार्टनरशिप की है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और तरीका जो था पार्टनरशिप करने का वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए दोनों ने मिलाकर लगभग 86 रन किए, अगर आप दोनों का स्कोर जोड़ देंगे 86 रन किए, उसमें से 50 से अबव रन यानी 56 से 57 मेरे ख्याल से रन, जी हाँ 52 या 53 रन जो है वो सिंगल डबल्स से। बहुत अच्छा, ये अपनी कहानी बताया बयां करने की इस इन कंडीशन पर किस तरह से आपको अपनी इनिंग कैपिटलाइज करना है और पार्टनरशिप यहाँ पर ग्रो करनी है, तो एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप रही जिसकी बदौलत टीम कम से
मैक्सिमम फाइटिंग टोटल तक, अच्छे टोटल तक पहुंची 437 की अगर हम बात करें। उसके बाद यहाँ बॉलिंग की बात करें एंड आयरलैंड की, तो बॉलिंग अच्छी खासी रही है अगर हम देखें। शुरुआत भी उन्हें अच्छी दिलाई लेकिन एंड में श्रेयस मोवा और उनकी पार्टनरशिप जरूर हुई निकोलस की, लेकिन बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बॉलिंग तो अच्छी रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ बैरी मैकार्थी ने लास्ट में आके 2 विकेट निकाले 4 ओवर में, 24 रन 2 विकेट। मार्क एडेयर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट। जोशुआ लिटिल की तरफ से इंडिया के खिलाफ 4 ओवर 42-0, आज 4 ओवर में 37-0, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। शायद उनका टूर्नामेंट ही ऐसा जाने वाला है, उससे इंडिकेशन तो यही मिल रहे हैं कि शायद टूर्नामेंट में ही ये सफर करते हुए नजर आए। उसके बाद क्रेग यंग ने 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, तो बॉलिंग यूनिट ने तो बैटर कराया है कि इतना नहीं दिया उन्होंने कि पार स्कोर हो जाए बिल्कुल ही। ये बिलो पार स्कोर था यहाँ पर अगर हम देखें, या एवरेज स्कोर आप कहें यहाँ पर था, यहाँ पर 137-140 तो रोका है उन्होंने। बॉलर्स ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की, हाँ एक पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन उसका क्रेडिट बल्लेबाजों को जाएगा जो बॉलर्स ने कोशिश जरूर की उन्हें आउट करने की, अच्छी डिलीवरीज भी डाली, पर बैट्समैन थे जो बहुत ही अच्छा खेल। बिल्कुल सही कहा, अब 137 में आपने ओपोनेंट को रोक लिया है और आप उसको भी इतना ट्रिकी बना देंगे एक चेस करते हुए, इतना ज्यादा कुछ अच्छे बड़े नाम भी आपकी टीम में होते हुए भी, डेफिनेटली बॉलर्स ऐसा नहीं है, बैट्समैनों की गलती है, बॉलर ने अपना रोल फिर भी निभाया है, 140 के नीचे नीचे प्लेयर टीम को रोकने की पूरी कोशिश की है। अब बात करते हैं कि आयरलैंड आखिर इसे चेस क्यों नहीं कर पाया। सबसे सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा लोग कहीं ना कहीं शेल में अपने आप को पाते हैं जब इस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 15 ओवर तक आयरलैंड की बल्ले से, आयरलैंड के बैट्समैन बल्ले से सिर्फ 2 चौके निकले। अब बताइए 90 गेंदे आप खेल गए, 20 में सिर्फ 2 चौके अभी तक आपके अंदर निकले, और फिर हुआ क्या कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी उतना नहीं किया है। बिल्कुल, चलिए बाउंड्रीज नहीं निकली, थोड़ा सा कंडीशन टफ रहे होंगे, लेकिन फिर भी सिंगल्स डबल्स भी वो इतनी ज्यादा निकाल नहीं पाए, जिस वजह से क्या है स्कोर बोर्ड जो है वो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक गया, और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन रहा है। एंड बाकी बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन सब बोर्ड पर देख ही रहे। जरूर देखिए, एक चीज जरूर है, ये मैच के दौरान ही जब मैं देख रहा था तो थोड़ा पता चला उसी वक्त कि जो फुटवर्क है आयरलैंड का, जैसे अभी आपने कहा कि रन्स पे रन्स नहीं आ रहे थे, जरूरी नहीं चौके छक्के सिंगल, उसका मेन रीजन ये है कि आयरलैंड के जो बल्लेबाज है उनका फुटवर्क कमजोर है, फुटवर्क बहुत कमजोर है। ये खुद कल मैच में जब आयरलैंड बैटिंग कर रही थी शुरू में, स्टर्लिंग डेलबर्नी जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये आया था, बात चल रही थी इसके कमेंटेटर्स द्वारा कि उनका फुटवर्क बहुत कमजोर है। लॉर्कन टकर हो, जिस तरीके से पिछली इनिंग में आउट हुए हैं इंडिया के खिलाफ आयरलैंड के बल्लेबाज, आप जाके देखिए पैर जम जाते हैं। और ये हमने कहा भी था, ये हमने हमारे एनालिसिस में भी आयन कहा कि कंप्लीटली पिच को दोष देना बहुत ही बेवकूफी होगी, क्योंकि आयरलैंड के बैट्समैन ने भी बहुत खराब क्रिकेट खेला है। फुटवर्क होना चाहिए। आपने पॉल स्टर्लिंग का एक शॉट देखा होगा, मुझे बॉलर का नाम याद नहीं, शायद जेरेमी गॉर्डन थे या कलीम सना थे कोई, पॉल स्टर्लिंग खेलने जा रहे हैं तो थर्ड मैन की तरफ खींच के मारने जा रहे हैं ऊपर से, लेकिन खड़े वहीं, ऐसा नहीं कि लेग साइड की तरफ गए हो, रूम बनाया हो, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, या स्पिन में तो छोड़ दीजिए बहुत कमजोर है। तो खैर पेसिंग पेस में भी अगर आप फुटवर्क नहीं दिखाएंगे ड्राइव के लिए या स्ट्रेट ड्राइव के लिए, वहीं खड़े होकर सब खेलना चाहेंगे तो हाल ये बेलबर्नी का पिछले मैच में विकेट देखिए आप, वहीं खड़े होकर थर्ड मैन की तरफ उन्होंने बल्ला कर दिया अपना, तो ये बहुत कमजोरी है आयरलैंड बल्लेबाजों की, जिस वजह से वो या पूरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपना ही मैच। बिल्कुल, एक वक्त तो 59 पे 6 था और शर्मनाक हार ये हो सकती थी, हार हार होती है चाहे इवेंट्स पे, चाहे शर्मनाक हो कैसी हो, लेकिन इससे भी बदतर हार हो सकती थी, लेकिन भला जॉस डॉकरेल और मार्क एडेयर का जिन्होंने एक अच्छी स्ट्राइक रेट से कोशिश जरूर की। आपको याद होगा कर्टिस कैम्फर और मेरे ख्याल से एक और प्लेयर थे 2022 T20 वर्ल्ड कप में, जहां स्कॉटलैंड के खिलाफ एक अनबिलीवेबल इनिंग आई थी, लंबी पार्टनरशिप आई और आयरलैंड उस मैच को जीत कर लेकर चला गया था, कुछ कुछ वही यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे दोनों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा हो नहीं पाया। बहुत टाइट बॉलिंग रखी, फील्डिंग रखी कैनेडा ने, जिसकी बदौलत सिर्फ 127 रन तक ही आयरलैंड पहुंच पाया और 100 रन भी क्रॉस हुए थे इन दो बैट्समैनों की बदौलत। एंड कैनेडा की बॉलिंग के बारे में जानना चाहूंगा, कैसे 137 डिफेंड किए? आपने आयरलैंड के प्रस्पेक्टिव से समझाया कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत हुई कि चौके छक्के तो छोड़िए, वो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पाए, उसका आपने रीजन समझा दिया, लेकिन कैनेडा के बॉलर्स को आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे 137 डिफेंड करने के? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग नजर आई कैनेडा की, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा था और बॉलर बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए नजर आए हैं कनाडा के बॉलर्स, बहुत अच्छा लगा देखकर। प्री डिलीवरीज बॉडी में डाल रहे हैं और कहीं थोड़ा सा पेचीदा बना रहे हैं, मतलब उस कंफर्ट जोन में नहीं दे रहे हैं जो बल्लेबाजों को पसंद आ,
ऊपर के खास करके बल्लेबाज हैं, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकल, स्टर्लिंग, बेलवर्नी, इनकी कमजोरियों का फायदा जरूर उठाया है। जेरेमी गॉर्डन ने स्टर्लिंग को जिस तरीके से आउट किया वो बहुत अच्छा था। दो बॉल उन्होंने गुड लेंथ पर रखी और वो मिस की थी पॉल स्टर्लिंग ने। तीसरी बॉल उन्होंने गुड लेंथ पर फिर रखी और वो बॉडी पर रखी है सीधा, और फिर सीधा टॉप एज लिया और कैच पकड़ा है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका था आउट करने का। कुछ प्लान्स भी हमें यहाँ नजर आए हैं। सात बिन जफर की अच्छी कप्तानी रही है बॉलिंग से, सभी ने डिलॉन हेलिजर हो, जेरेमी गॉर्डन, जुनैद सिद्दीकी और सात बिन जफर बहुत अच्छी इकोनॉमिकल के साथ जो बॉलिंग कराई है, विकेट्स लिए हैं। फिर इंपॉर्टेंट है कि विकेट लेना जरूरी है, खाली इकोनॉमी से जाना अच्छा कोई फायदा नहीं होगा। विकेट्स निकाले हैं, ऊपर के बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा और अच्छा काम। बिल्कुल, करीम सना के अलावा कहीं ना कहीं बाकी सारे बॉलर्स ने यहाँ पे बहुत ही बांधे रखा। और जहां तक आप आए एक्स्ट्रास की बात करते हैं, एक लो स्कोर गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डिफेंड करते हो तो एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करते हैं। सिर्फ पांच वाइडें यहाँ पर दी हैं 137 को डिफेंड करते हुए, क्योंकि बहुत कंट्रोल यहाँ पर रहा है। तो इस तरह से कैनेडा ने एक हिस्टोरिकल विन अपने नाम किया और आयरलैंड को इस मैच में मात देकर 137 डिफेंड कर ये जीत अपने नाम कर ली। कैनेडा ने भी यहाँ पर विक्ट्री कर ली, 22वीं टीम बन गई है वो T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जो इन्होंने विन्स रजिस्टर कर लिया है। अब सिर्फ PNG और केन्या है जिन्होंने वर्ल्ड कप तो खेला है लेकिन अभी तक अपने नाम जीत दर्ज नहीं की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, डेली क्रिकेट चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस और बहुत डिटेल्स हम आपके सामने लगातार प्रेजेंट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से। फिलहाल इस वीडियो में।